तो गैस आप देख रहे हैं कि मैं बनाने जा रही हूँ गैस इडली। इडली बनाने के लिए जो बैटर जो पहले बनाती थी रवे का वो ना सही, तो मैंने मार्केट से एक ले लिया। मार्केट में देखा कि ये बहुत ही अच्छा इडली बनता है, तो गैस मैं ले आई और मैं बनाऊंगी इसकी इडली। तो गैस मैंने इसको खोल लिया है रबर को और इसका बनाएंगे इडली। आप देख सकते हैं कि इडली इस तरीके से बनती है, बहुत ही लिखा है रबा इडली MTR का है। तो गैस इसकी ट्राई करके देखती हूँ कि इसकी इडली कैसे बनती है इस पाउच की। तो गैस जो मैंने डोसा बनाया था, जो बैटर बचा हुआ था, तो डोसे का वाला बैटर है जो मैंने चने की दाल और चावल उड़द की दाल और मेथी के दाने इसमें जो मिक्सी में ग्राइंड किए थे, और मैंने डोसा बना लिया है। और डोसा बनाने के बाद जो बैटर बचा है तो इसमें डाल देंगे ये इडली वाला पाउच। तो ये का मैंने पूरा डाल दिया है इसी में, तो डोसा बनाने के बाद जो बचा है वो भी इस्तेमाल हो जाएगा और इडली भी बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। अब इसको भिगो देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको भिगो दिया है। अब इसको भीगने देंगे समथिंग आधा घंटा, जब अच्छे से फूल जाएगा तब बनाएंगे गाइस इसकी इडली। और आप इस तरीके से आप बना सकते हैं, अगर आप ये पाउच लेके आए हैं इडली वाला, तो बस इसमें क्या करना है, खट्टे दही में भिगोना है। दही ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ था डोसे वाले बैटर में, और बस थोड़ा सा पानी भिगो देना है। तो पानी तो ऑलरेडी इसमें था ही, पतला था गोल। तो इस तरीके से मैंने इसको भिगो दिया है। अब इस तरीके से आधे घंटे तक इसको भीगने देंगे। अब इसकी बना सकते हैं आप फटाफट इडली। तो मिलते हैं गाइस आधे घंटे के बाद। सो गाइस इडली बनाने के लिए इडली का सांचा लेंगे। इस तरीके का सांचा होता है इडली का, तो इसका पहला सांचा लेंगे। तो इसमें ऑयल लगा लेंगे, ऑयल ग्रीस कर लेंगे। इडली का जो पेस्ट तैयार किया था वो गैस आप देख सकते हैं इस तरीके से गाढ़ा रहेगा और ना ज़्यादा पतला रहेगा। जब गिराएंगे तो इस तरीके से गिरता है एक पेस्ट में। तो इस सांचे में इस तरीके से डाल लेंगे। इस तरीके से रख लिया मैंने पेस्ट, तो सारे सांचे जो हैं इसमें इस तरीके से डाल लेंगे। 2 टीस्पून समथिंग तो आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है। चलते हैं गैस की तरफ। इस तरीके से गैस आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पेस्ट को इडली के पेस्ट के इडली के सांचे में इस तरीके से मैंने डाल दिया है। इसमें ऑलरेडी सब पड़ा रहता है, केवल दही के बैटर में ही घोलना है और कुछ नहीं करना है। फटाफट आपकी इडली बनकर तैयार हो जाएगी। गैस को ऑन करेंगे और इसका रख देंगे कुकर। कुकर में बनाया था गैस मैंने सांभर, पानी इसमें डाल दिया था मैंने 2 गिलास पानी। पानी बॉयल हो चुका है और इसमें खोल आ रही है पानी में, तो इसमें डाल देंगे ये 2 गिलास पानी ऐड करके इसके अंदर रख देंगे इडली का साँचा। और कुकर में से के ढक्कन से ये रबड़ निकाल देंगे और ये सीटी भी निकाल देनी है। अब इसको इस तरीके से ढक देंगे और इसको स्टीम देंगे और इडली बफ जाएगी। इस तरीके से ढक देना है, रबड़ को हटा देना, नहीं तो रबड़ ख़राब हो जाएगी। और सीटी भी निकाल दी है, तो इसी तरीके से इसको 10 मिनट तक स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद इडली फूल जाएगी और फिर निकालेंगे। तो गाइस 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा और फटाफट आपकी इडली बनकर तैयार हो जाएगी। सो गाइस इडली बनके तैयार हो गई है। अब गैस को ऑफ कर दिया है, अब इसको निकाल लेंगे। सो गाइस इडली निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल आएगी। चाकू की सहायता से गाइस देख सकते हैं कितनी स्पंजी बनी है इडली। इस तरीके से एक तो टूट गई है, अब आप देख सकते हैं गाइस कितनी स्पंजी बनी है कि अपने आप ही टूट रही हैं। और इसे खमीर देख सकते हैं कितना अच्छा खमीर बना है।
कितनी सॉफ्ट बनी है। इस तरीके से इडली आप बना सकते हैं गाइज। आपको इडली की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यह है पैकेट वाली इडली जो आप फटाफट बना के इसको फ्राई करके खा सकते हैं। और कितनी सॉफ्ट है। तो गाइज अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बताइएगा इडली की रेसिपी आपको कैसी लगी। कम्युनिटी ऑफ में नया चैनल है जो शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप मेरे चैनल में जाइएगा और मेरे शॉर्ट्स की वीडियो भी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। गाइस इडली के साथ बनाया मैंने सांभर। सांभर की रेसिपी भी आपने देखी होगी कि सांभर किस तरीके से मैंने बनाई थी, चटपटी मसालेदार। तो गाइस मसाला तो इसमें थोड़ा सा कमी पड़ा है, सांभर में गर्मा गर्म सांभर है और सांभर को इडली के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट सांभर है। तो गाइस इस तरीके से आप खा बना सकते हैं इडली और सांभर। तो इस तरीके से रखेंगे और ये रहा इडली और ये रहा सांभर और इसको खाएंगे। तो गाइस आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे वीडियो को आप देखिएगा और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। राधे राधे।